हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो आज होम साइंस का पेपर होने वाला है उसके बारे में आपको फुल डिस्कस करूंगा। किस तरह के से क्वेश्चन के आंसर देने हैं, पेपर में क्या लिख के आना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स बने, और कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो होम साइंस के पेपर जो आज आएगा तो उसमें किस तरह से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं और कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं, क्वेश्चन में लिखने का तरीका क्या होना चाहिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स बने, अच्छी परसेंटेज बने, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए बिना इसकी वीडियो देख के, जिससे कि सारी जानकारी हो सके। और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। ऐसे ही आप अदर सब्जेक्ट के भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो आज होम साइंस का पेपर है तो आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सोल्व करने हैं ताकि अच्छे मार्क्स बने। दोस्तों, सबसे पहले आपको जब क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा तो क्वेश्चन पेपर को पूरा रीड करना है। पूरा रीड करने के बाद क्वेश्चन वही सबसे पहले सोल्व करना है जो आपको अच्छी तरह से आता है। अब दोस्तों, जैसे मान लो आपको अच्छी तरह से बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे कि 5 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले वही क्वेश्चन करें ताकि जब आप अच्छी तरह से क्वेश्चन आने वाले पहले क्वेश्चन करोगे तो इससे क्या होता है कि आपका कॉपी का इंप्रेशन होता है वो अच्छा पड़ता है, इससे आपके अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि कोई भी गलत कार्य नहीं करना है और ज़्यादा कॉपी में कट नहीं करना है, ज़्यादा कॉपी खराब नहीं करनी है। दोस्तों, इससे क्या होता है आपके जो मार्क्स है वो कम होने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि मान लो कि उसका इंप्रेशन अच्छा है तो आपको मार्क्स फुल दिए जाते हैं। अब मान लो कि आपका इंप्रेशन खराब है तो 2 नंबर का मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन है, तो आपको आधा ही नंबर, 1.5 नंबर ही दे दिया जाता है। क्या है कि एग्जामिनर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं, कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए तो आपको क्या होता है कि कॉपी में सफाई से वर्क करना है। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि होम साइंस का पेपर आएगा तो उसमें क्या होता है कि क्रियाविधि के बारे में आपको पूछा जाता है, जैसे कि किसी भी विधि के बारे में आपको डिटेल से पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन लिखने का, आंसर लिखने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्रियाविधि में क्या होता है, आपको सामग्री के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सामग्री, इसको अचार बनाना है, अचार बनाने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की जरूरत है, तो वो सामग्री आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जब क्रियाविधि प्रयोग करोगे या क्रियाविधि करोगे तो उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि पहले कौन सी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, पहले क्या चीज़ आप उसमें अचार में बनाने के लिए कौन सी चीज़ें प्रयोग करोगे। ये चीज जो चीज़ें होती है ना स्टेप बाय स्टेप, ये अगर आप लिखोगे तो आपका कॉपी का इंप्रेशन वैसे ही अच्छा पड़ जाता है और आपके अच्छे मार्क्स बनने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करें। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखनी है, अगर दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन करने के बाद मान लो कि 2-4 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आपको वो क्वेश्चन भी करके आना है, अगर आपके पास टाइम है तो वो क्वेश्चन भी सोल्व करके आना है, क्योंकि क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ के आना है। दोस्तों, अगर आप सारे क्वेश्चन करते हो तो कहीं ना कहीं अगर आपका मान लो कि आपने जो लिखा हो सकता है कि वो एक क्वेश्चन के अनुसार ही हो और राइट भी हो सकता है, तो इसलिए उसमें नंबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप क्वेश्चन सारे सोल्व करके आए और जो टॉपिक आया है उसी के अनुसार लिखे, ऐसे नहीं कि टॉपिक कुछ और है आंसर कुछ और लिख रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करके आए ताकि अच्छे मार्क्स बने, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।